अंदर वो सब चीज़ें हैं जो आपको दिशा देंगी और आपकी दशा को आज से कल बेहतर करेंगी। आपको अन्य परंपराओं की आवश्यकता नहीं है। जो विकास करना है, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, उनके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक एक चीज़ दी हुई। आर्टिकल 38 में नया सोशल ऑर्डर बनाने के लिए आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कानून का पालन करते हुए आप कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब काम कर सकते हैं। इसलिए निराश होकर, जल्दबाजी में, क्रोध का में आकर, आवेश में आकर कहीं भी कोई ऐसा काम मत करिए कि आप किसी दूसरे के मानवाधिकार, किसी दूसरे के अधिकार, किसी दूसरे की संपत्ति, किसी दूसरे के व्यक्तित्व को बदले की भावना से आहत करें। आपके खिलाफ अगर एक मुकदमा लिखा जाता है, हमारे बहुत से यहाँ युवा साथी, हमारे विद्यार्थी बैठे होंगे, सहारनपुर से लेकर आगरा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत से युवा लोगों ने एक आंदोलन चलाया और मुकदमे लिखे गए। निश्चित रूप से कोई भी गैर कानूनी कदम किसी भी तरह का अगर उठाया जाता है, उसका असर क्या होता है, ये युवा साथियों को, हमारे बच्चों को, जो भाई भतीजे यहाँ बैठे हैं, उनको जान लेना चाहिए। एक मुकदमा कायम होते ही, मैं ये पुलिस अधिकारी की हैसियत से नहीं बता रहा, मैं आपका या तो छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, भतीजा हूँ, चाचा, जो भी कुछ हूँ, मैं आपके बहुत नज़दीक हूँ। मुझे आपके वर्तमान से ही नहीं, आपके भविष्य से भी प्यार है। एक मुकदमा कायम होते ही इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ जाता है, आपको जीवन भर पासपोर्ट नहीं मिल सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पे चलकर मैंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैं अमेरिका गया, अभी 13 तारीख को फिर जा रहा हूँ। किस आधार पे दिया? क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट था, वीज़ा था। अगर एक भी मुकदमा मेरे खिलाफ होता तो मुझे वहाँ जाने की, बाबा साहब के मिशन को चलाने की, कानून के साथ मुझे इजाज़त नहीं मिलती। पहला असर। दूसरा असर, आपको शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल सकता है। शस्त्र लाइसेंस बहुतों के लिए रोजगार भी है, बहुतों के लिए सशक्तिकरण भी है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का एक मजबूत आधार भी। तीसरी चीज, आप सरकारी नौकरी के काबिल नहीं रहे। वो नौकरी चपरासी की भी हो सकती है, आईएएस की भी हो सकती है, हाई कोर्ट जज बनने की भी हो सकती है। मैं इतना जानता हूँ, एक जज साहब के खिलाफ 323 का मुकदमा था, 15 साल बाद उसमें FR एक्सेप्ट नहीं हुई थी, FR लग चुकी थी 15 साल पहले, और हाई कोर्ट के जज का उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कैंसिल हो गया 15 साल बाद। अगला कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई भी ठेका आपको नहीं मिलेगा, जब भी पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा लिख करके आ जाएगा। उसके बाद पहला मुकदमा तो आपकी गलती से लिखा जाता है, बाद की जो 107-16 होती है और बाद की चीज़ें, वो अपने आप समाज के लोग, पुलिस के लोग, वकील, आपसे जिसकी रंजिश है, वो बहुत सारे लोग बदलते रहते हैं। और फिर जिस ऊर्जा के लिए, जिस समाज के लिए, जिस परिवार के लिए आपने हिंसक होकर के कोई गैर कानूनी काम कर दिया, वो भी एक दिन आपके साथ नहीं खड़ा रहता। आपके साथ जब खड़ा होगा, जब उसे लगेगा कि आपके साथ चलने में उसके मान सम्मान, उसके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। आपके जोश का हम स्वागत करते हैं, इस जोश का सदुपयोग करिए दूसरी जगह। इस जोश के लिए आप अपना एटीट्यूड चेंज करिए, प्रगति के रास्ते देखिए, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ प्रगति हो रही है, अपना व्यवहार बदलिए।
सशक्तिकरण के क्या मानदंड हैं पूरी दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहें, आज एम्पावरमेंट के कुछ मानदंड हैं। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप 33% जीवित हैं। अगर आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट में विश्वास है, अंधविश्वासों में नहीं, कंप्यूटर मोबाइल फोन इंटरनेट में विश्वास है, तो आप 33% और जीवित हैं। कितना हुआ? 66%। अगर आपको वाहन चलाना आता है, साइकिल मोटरसाइकिल चार पहिया गाड़ी, तो 33% और आप जीवित हो गए। और इन तीनों में से कोई अगर चीज़ नहीं आती एक भी, तो पता है आप कितने जीवित हैं? बताइए कितना बचा? 1%। उस 1% अस्तित्व का, उस व्यक्ति का जीने का कोई अर्थ नहीं है। वो हाड़ मांस धोए जाइए बिना बात के, ना तो वो किसी की बात सुन पाएगा, ना किसी की मदद कर पाएगा, ना उससे कोई ढूंढ पाएगा। बहुत बड़ा यूनिवर्स है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है तो ढूंढ लोगे, अंग्रेजी आती है तो शायद कश्मीर में और कन्याकुमारी में बोल लोगे। बहुत सी कॉलोनी दिल्ली में ऐसी है जहाँ आप हिंदी में पता पूछोगे शायद बताने वाला कोई ना मिले। साउथ इंडिया की तो बात ही छोड़िए। कोई भी राष्ट्र का ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नहीं है राष्ट्रीय स्तर का जहाँ पर आप अंग्रेजी में बोल सकें या अंग्रेजी में बिना पढ़ाई कर सकें। तो इस एनर्जी को जो आ रही है, इसको ग्रेट चमार लिखने में, ग्रेट वाल्मीकि लिखने में, ग्रेट पासी लिखने में, ग्रेट यादव लिखने में मत बिताओ। हम भारतवासी हैं, हमारी पहचान अगर है तो या तो बौद्ध की है, शेड्यूल्ड कास्ट की है तो शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब की है। बाकी ये शब्द असंवैधानिक हैं, जिन पर आप गर्व करते हो ना कि हमें चमार होने पर गर्व है, हमें यादव होने पर गर्व है। आपको गर्व होना चाहिए भारतवासी होने पर, आपको गर्व होना चाहिए अम्बेडकरवादी होने पर, आपको गर्व होना चाहिए बौद्ध होने पर। ये गर्व के लिए बहुत कमज़ोर और ऐसी चीज़ें हैं जो औरों को दूर करती हैं, जो राष्ट्रवाद से आपको अलग करती हैं। आपको अगर बहुत आप ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ करके रहूँगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो अंग्रेजी सीखने के बाद, ड्राइविंग सीखने के बाद, अपना अच्छा सोशल मीडिया पर मौजूद रहने के बाद कानून पढ़िए, कानून सिखाइए, लोगों को मार्गदर्शन करिए। बहुत ज़्यादा मान लीजिए पैसा भी आ रहा है तो पे बैक टू सोसाइटी करिए, 1% भनते लोगों को दो, 1% जो अत्याचार से पीड़ित हैं, रोहित वेमुला हो चाहे ऊना कांड वाला हो चाहे कश्मीर के लोग हों, दंगा पीड़ित लोग हैं, उनकी हेल्प करो। 1% जहाँ शिक्षण संस्थाएँ खुली हैं उनको दे दो, बचा लास्ट वाला, उसको कोई बीमार है, कैंसर है, बहुत सारे। पे बैक टू सोसाइटी, अकेले इसी का नहीं है कि आप पैसा ही दें। आप रिटायर्ड अफसर हैं, अपना समय दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए। पुलिस वाला सिखाए तो वो अपना कुछ नहीं, आईपीसी सीआरपीसी की धारा सिखाएगा, जज साहब है वो अपना पूरा जो प्रक्रिया उसको बता सकते हैं। आपकी नॉलेज, आपका समय, ये सब एम्पावरमेंट की चीज़ें, इनको शेयर कीजिए औरों के साथ, क्योंकि इस देश के अंदर शेयर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी डेमोक्रेसी के बाद? इसलिए कि लोग यहाँ शेयर करना नहीं जानते। राष्ट्रवाद की बातें बहुत लोग करते हैं, आवाज़ आ रही है सबको या गूंज रही है? राष्ट्रवाद बढ़ेगा जब हमारी आपकी सबकी सोच शेयर करने की होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस देश के अंदर जिनके पास भी पावर रही, चाहे वो एंशेंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल पीरियड रहा हो, चाहे मॉडर्न पीरियड रहा हो, जिनके पास पावर रही हो, चाहे वो रिलीजन के ठेकेदार हों, चाहे राजनीति के हों, चाहे वो आर्थिक स्थिति वाले हों, वो इस बात के लिए तो तैयार हैं कि वो आपको झूठन दे दें, आपके ऊपर कृपा कर दें, आपके ऊपर एहसान कर दें, आपको उधार दे दें, इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेंगे, आपके पैर भी छू लेंगे, हर चीज़ करने को तैयार है। लेकिन वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। हिस्सेदारी देने में कष्ट होता है, उन्हें मालूम है
हिस्सेदारी देने का मतलब है चपरासी लेकर राष्ट्रपति के पद तक की दावेदारी, हिस्सेदारी का आंदोलन ये। इसी हिस्सेदारी के लिए पूना पैक्ट हुआ, इसी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट एक बहुत परफेक्ट व्यवस्था थी और उस पर आज भी बहुत से लोग चर्चा करते हैं, लोगों को उम्मीद है शायद वो लागू हो जाए, लेकिन आज की स्थिति बदल गई।